बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की चपेट में है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन देश भर में उग्र रूप ले चुका है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। तो क्या फैसला सुनाया है कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा सरकारी नौकरियों में आरक्षण विरोधी आंदोलन लगातार हिंसक होता जा रहा है। हिंसा से हालात खराब होते जा रहे हैं। आए दिन आगजनी की खबर सामने आ रही है। जगह जगह पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने अब हसीना सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को उतारा गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस मामले को लेकर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश देते हुए देश भर में अशांति और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को कम कर दिया है। कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता आधारित प्रणाली पर आवंटित करने का आदेश दिया। और अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन ने बताया कि सिविल सेवा की 5% नौकरियां स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के बच्चों के लिए और 2% अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। शेख हसीना ने हिंसा को देखते हुए अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया। बता दें कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश में अब तक 133 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन पर काबू पाने में शेख हसीना असफल रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।